हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आपको बता दें, राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार अपडेट दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग हैं जिनको ज़मीन के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, हमसे पूछते रहते हैं कि सर जमाबंदी क्या होता है, केवाला क्या होता है, मोडेशन कैसे कराते हैं, रसीद कैसे काटते हैं। तो हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त क्या है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दूसरा, हम आपको जानकारी देंगे जन जागरूक श्रृंखला में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रमुख चरण क्या हैं। और तीसरा, हम आपको बताएंगे विशेष सर्वे किस प्रकार का इंडस्ट्रियल एवं रिविजनल सर्वे से भिन्न है। तो जिन लोगों को पता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, वीडियो से जा सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आइए विस्तार से जानकारी हम प्राप्त कर लेते। जन जागरूक श्रृंखला में सबसे पहले समझिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त क्या है। आपको बता दें, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के अंतर्गत सभी रैयतों जो किसी भी भूखंड के स्वामी हों का अद्यतन अधिकार अभिलेख या खतियान तथा प्रत्येक रैयत के खेसरा प्लॉट का मानचित्र वर्तमान परिस्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है। यानी जो अभी समय चल रहा है उस समय में इसका जो मानचित्र है वो तैयार किया जाता है नए डिजाइन से, ठीक है। आगे आपको बता दें, इसके बाद बंदोबस्त प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि की प्राकृतिक एवं उपयोग के अनुसार रैयतवार भू लगान का निर्धारण किया जाता है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, जिसके आधार पर वर्तमान में जो सर्वे है वो किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से डिजिटाइज ऑनलाइन अधिकार अभिलेखे एवं मानचित्रों का साधारण संरक्षण एवं अधिकरण की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखना है। इस विशेष सर्वेक्षण का जो लक्ष्य है, आपको बता दें, भूमि संबंधी समस्त सूचनाओं को एकीकृत प्रबंधन करते हुए प्रभावशाली तरीके से इसके सभी उपयोगकर्ताओं को सरल एवं उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। चलिए अब श्रृंखला दो में जान लेते हैं कि जन जागरूक दो क्या कहता है। आपको बता दें, यहाँ पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के प्रमुख चरण क्या हैं। किस्तवार पूर्व कार्य, भूमि सर्वेक्षण से संबंधित अधिसूचना एवं उद्घोषणा रैयत द्वारा अपनी भूमि का ब्यौरा प्रपत्र 2 में सौंपना, अमीन पूर्व के खतियान का सार तैयार करना। किस्तवार क्या है, तो यह प्रक्रिया है मुख्यतः मानचित्र निर्माण एवं इससे संबंधित कार्यों से जुड़ी है। खानापुरी के बारे में आपको बता दें, मानचित्र के खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण एवं सत्यापन करना। सुनवाई किस्तवार एवं खानापुरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयतों की आपत्ति दावों की सुनवाई एवं उनका निष्पादन। अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण। किस्तवार खानापुरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं रैयतों के साथ लगान की बंदोबस्ती। अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई, अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद प्राप्त आपत्तियों की सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनवाई एवं निष्पादन। अंतिम अधिकार अभिलेख खतियान तथा मानचित्र का अंतिम रूप से प्रकाशन एवं विभिन्न स्तरों पर उनको उपलब्ध कराना, ठीक है। अब आप जान लीजिए, यहाँ पर विशेष, इसके बारे में हमने आपको नहीं बताया है, विशेष सर्वे किस प्रकार कैंडस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वे से भिन्न है, ठीक है। तो जान लीजिए आप कि पहली बार बिहार में बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के वैधानिक आधार पर भू सर्वेक्षण का कार्य लगभग 1890 से 1920 के बीच किया गया था, जिसका नाम कैंडस्ट्रल सर्वे था। कैंडस्ट्रल का मतलब खेसरा या प्लॉट होता है। स्वतंत्रता के पश्चात और जमींदारी उन्मूलन के बाद किया गया रिविजनल सर्वे सर्वेक्षण पूर्व में किए गए कैंडस्ट्रल सर्वेक्षण का अद्वितीकरण है। कैंडस्ट्रल सर्वे के वैधानिक आधार एवं तकनीक पर रिविजनल सर्वे अलग अलग समय में बिहार के कई जिलों में संचालित किया गया है। वर्तमान में किए जाने वाले विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का वैधानिक आधार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 यथा संशोधित है।
इसमें इस सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी हवाई जहाज में लगे उच्च क्षमता के कैमरों द्वारा प्रत्येक भूखंड के खींचे गए फोटो से तैयार ऑर्थो फोटोग्राफ की सहायता से स्थल सत्यापन के बाद मानचित्र का निर्माण किया जाता है तथा लगान बंदोबस्ती की प्रक्रिया भी पहले से पूरी तरह अलग है। तो ये थे कुछ राजस्व भूमि सुधार विभाग के तरफ से जन जागरूक, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, गुड बाय, टेक केयर।